Yes, students. So, in the last class, we were discussing about the southern blotting technique and the detection of the hybridized DNA by autoradiography is done. क्योंकि हमारा जो प्रोब है उसको हमने बनाया एंड उसको हमने डिटेक्ट करने का भी एक तरीका ढूंढा हुआ है, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी. बिकॉज हमारा जो प्रोब है दैट इज रेडियोग्राफिक, जिसकी वजह से हम ऑटो रेडियोग्राफिक के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा प्रोब कितने कितने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जाके लगा है. सो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए इज फोटोग्राफ्ड ऑन टू एन एक्सरे फिल्म, जिससे हमें दिख जाता है, जिससे हमें रिजल्ट्स का पता चल जाता है. एंड दैट वाज ऑल अबाउट द साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज स्टूडेंट्स डीएनए प्रोफाइलिंग. डीएनए प्रोफाइलिंग के अंदर क्या होता है, द डीएनए फिंगरप्रिंट डिफर्स इन एवरीवन एक्सेप्ट इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस. डीएनए फिंगरप्रिंट सबके अंदर डिफरेंट होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर भी डिफरेंट ही होता है. ठीक है, जो सेम होता है लेकिन उसमें बहुत 1% या फिर 0.1% का तो डिफरेंस होता ही है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी क्या हो, 100% सिमिलर हो. 100% सिमिलरिटी नहीं रहती है, 98% सिमिलरिटी रहती है. द सेंसिटिविटी ऑफ अ टेक्निक कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पॉलीमराइज चेन रिएक्शन. Therefore, DNA from a single cell is enough for DNA fingerprinting. अगर हम स्टूडेंट्स बोलते कि जो हमने सेल लिया है, जो हमने सैंपल लिया है, चाहे ब्लड का सैंपल है, चाहे सलाइवा, चाहे हेयर का सैंपल है, किसी भी सेल के अंदर हमारा जो DNA है दैट इज वेरी लेस, वो अप्रोप्रिएट अमाउंट का हमें नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस DNA की कॉपीज बना सकते हैं. जब हम उस DNA की कॉपीज बना लेंगे तो हमारे पास बहुत सारा DNA आ जाएगा, इनफ टू आइडेंटिफाई. जैसे मेरे पास कोई नोट्स हैं एंड मैंने आप लोगों को 50 स्टूडेंट्स की क्लास को मैंने वो नोट्स बांटने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो नोट्स हैं उनकी मैं कॉपीज बना के आपको दे दूंगी, सो दैट एवरी स्टूडेंट गेट अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ नोट्स फॉर ईच अदर. सो दोबारा से रिवाइज करके देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर क्या था. द फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज डन, देन द डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस इज डन, देन द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन वी आर ट्रांसफरिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे थे उनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं ऑन टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स, देन वी आर हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो एक्टिव लेबल BNTR probe and then we are detecting the probes. और जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं by autoradiography, then we get a proper result. We reach to a conclusion कि जो भी हमारा DNA है, जो भी हमारा culprit है, is he or she really a culprit or not? ठीक है. So what are the applications of DNA fingerprinting? The forensic tools to solve paternity, rape, murder, etc. For the diagnosis of genetic diseases and to determine phylogenetic status of the animals. ठीक है, ancestry को notice करने के लिए, जैसे मेरे पास कोई fish है and frog है, मैं क्या करूँगी, उनका DNA लेंगी, जितनी DNA के अंदर similarities होंगी मुझे पता चल जाएगा कि उन दोनों में ancestral उतना ही link है. अगर मैं एक chimpanzee या एक monkey को ले रही हूँ तो उनमें link ज़्यादा होगा. ऑन द अदर हैंड फिश और फ्रॉग के अंदर जो लिंक होगा वो कम होगा. तो इस तरीके से हम ये जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. एंड टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज, पॉपुलेशन के अंदर कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये भी हम देख सकते हैं, हम पॉपुलेशन स्टडी के टाइम पे देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो दैट वी हैव थ्री persons that are suspected to be the father of the child. We have three persons and ये हमारे पास mother है and ये हमारे पास child का DNA है. तो students ये देखो, अब हम DNA matching करके देखते हैं so that आपको अच्छे से ये जो topic है हमारा DNA fingerprinting का जो हमने अभी पढ़ा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके. This is a mother, this is a mother DNA. This is a mother DNA, this is a mother DNA. This is a mother DNA, this is a mother DNA.
अब यहां पे देखो, ये फादर की डीएनए है एंड ये भी फादर की, इस फर्स्ट वाले फादर की डीएनए है। ये सेकंड वाले फादर की डीएनए भी हो सकती थी, लेकिन अगर सेकंड वाले फादर का होता तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही मैच होता, एक ही स्ट्रैंड होता, दो दो स्ट्रैंड ना होते। दो स्ट्रैंड 1, 2, 3 में से सिर्फ इसके पास ही प्रेजेंट है। दो स्ट्रैंड सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम बोल सकते हैं कि ये वाला हो सकता है क्योंकि इसमें भी ये प्रेजेंट है एंड इसमें भी यहाँ पे एक है, तो वी कैन से कि या इसमें जो चाइल्ड है उसमें ये वाला स्ट्रैंड भी प्रेजेंट है, ये वाला स्ट्रैंड भी प्रेजेंट है और ये वाला स्ट्रैंड भी प्रेजेंट है। अगर ये 2 और 3 का बच्चा होता तो उसमें ये वाला नहीं होना था, ये वाला सिंगल होना था। या फिर नाउ यू कैन सी दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द कल्प्रिट फ्रॉम अ इनोसेंट पर्सन। तो इस तरीके से डीएनए प्रोफाइलिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू टेल इन टेलिंग दैट कि हमारा कोई भी लिंक है या नहीं है। वैसे ही हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हेयर स्ट्रैंड मिला उसमें कैसे है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ देखो, एक और डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको। वी आर हैविंग द क्रोमोसोम 7 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 16 एंड हमें सी इंडिविजुअल का ए एंड बी के बेस पे हमें पता करना है। तो देखो, ये वाले जो दो स्ट्रैंड्स हैं स्टूडेंट्स, ये ए में प्रेजेंट नहीं है। ये वाले दो स्ट्रैंड्स ए में प्रेजेंट हैं लेकिन सी में प्रेजेंट नहीं है। ये वाले दो स्ट्रैंड्स भी सी में प्रेजेंट हैं। सो यू कैन सी कि जो सी वाला, मतलब कि जो हमारा सैंपल था, उसका डीएनए बिल्कुल आइडेंटिकल है टू द बी पेशेंट। बी पर्सन से बिल्कुल आइडेंटिकल है हमारा पेशेंट का, हमारा जो ब्लड सैंपल है। एंड इसके थ्रू हमें पता चल गया कि क्राइम किसने किया है। क्राइम किसने किया है? बी वाले पर्सन ने किया है, ए वाले पर्सन ने नहीं किया, क्योंकि हमारा जो सी सैंपल है, दैट इज, ये क्या है? ये है क्या? ये सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स ही है। ये सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स, एसटीपी, सिंगल स्मॉल टैंडम रिपीट्स, वीएनटीआरस, ये सभी हैं जो हम बार बार देख रहे हैं कि ये इतनी बार रिपीट हो रहा है, इसके अंदर इतनी बार रिपीट हो रहा है, इसके अंदर ये है ही नहीं, ठीक है, इसके अंदर ये इतनी बार रिपीट हो रहा है। ये वाला जो डीएनए है इसके अंदर इतनी बार रिपीट हो रहा है, ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हमारे पास ए टी जी सी सिर्फ ये चार सीक्वेंसेस ही हैं। इन चार सीक्वेंसेस के बेस पे हम देखते हैं कि हमारा जो रेपिटेशन है डीएनए का, और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, सो अभी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझाने वाली हूँ द टाइप्स ऑफ रेपिटेशंस दैट वी आर हैविंग इन अवर डीएनए। सो लेट अस सी। Interesting.